इकोनॉमिक्स वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत विशिष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है उसके बारे में जानेंगे। अर्थशास्त्र विषय को हम दो भागों में बांटते हैं, विशिष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। विशिष्टि अर्थशास्त्र। विशिष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के एक अंग का अध्ययन करता है। यह छोटी छोटी अथवा व्यक्तिगत इकाइयां जैसे एक व्यक्ति, परिवार, फर्म, उद्योग आदि का अध्ययन करता है। विशिष्टि अर्थशास्त्र योग करने की क्रिया है। इसकी केंद्र समस्या कीमत निर्धारण है या पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। इसके तथ्य ठीक होते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं कि वे पूरे समाज के लिए भी ठीक हों। इसका विश्लेषण अपेक्षाकृत सरल होता है। समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। यह इकाइयों के योग जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल उत्पादन आदि का अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र योग को टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया है। इसकी प्रमुख समस्या उत्पादन व रोजगार का निर्धारण है या अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। इसके तत्व संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू होते हैं। इसका विश्लेषण अत्यंत जटिल होता है। विशिष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। विशिष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की दो मुख्य शाखाएं हैं। विशिष्ट अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आर्थिक समस्याओं से संबंधित रखती है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र समूहों तथा पूर्ण आर्थिक प्रणाली का अध्ययन करती है। दोनों धारणाएं एक दूसरे से भिन्न होने के बाद भी किसी अर्थव्यवस्था को ठीक से समझने में बहुत सहायक है, इसलिए अर्थशास्त्र में दोनों का बड़ा महत्व है। अर्थशास्त्र विषय को और अच्छे से समझने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को दिए हुए लिंक पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।